magnetic field now, and that magnetic field is associated with the different types of materials, and those materials are used in the electrical appliances. Electrical appliances में ये magnetic जो materials है उसका इस्तेमाल होता है, और कौन सा magnetic material आप इस्तेमाल करने के बाद उसका effect किस तरह से होगा, ये हमें ये topic में अभी जानना है. So let's see what do you mean by magnetic permeability. So now to understand magnetic permeability, we have to identify if there is a two magnetic poles and the air is in between these two magnetic poles. What will happen that there are two magnetic poles of the dissimilar polarity, because it is a north and it is a south, then there is a magnetic force ke jo lines hai wo pass honge from A place to B place or N to S, aur is journey mein wo magnetic lines ke beech mein koi bhi aapka kya nahi hai, you don't have a single obstacle in between, and because you don't have an obstacle, what will happen, the amount of magnetic field which is passed by, it will be having its own flow without any interruption. So jitna yahan se nikla hai passengers utna udhar jaake pahunchega. Okay, this is what we can say in the common man's language. Okay, now we have a soft iron ring placed inside. Now we have this soft iron ring placed inside. Now what happened, because this ring is made up of the soft iron having its own magnetic field and having its own magnetic dipoles which are already present in it, these particular flow is anticipated with the help of this soft iron material, and it will be not having, it will be not having a single flow from north to south, but now some energy of these lines is used to have this soft iron core material to align their dipoles inside it. Matlab इसको एक और एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि आप कोई काम करने को जा रहे हो और रास्ते में आपको आपका दोस्त मिल गया और आप वो दोस्त के साथ भी कुछ बात कर रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग टू डू योर वर्क, तो आपको लेट हो जाएगा ये सब करने में, समथिंग लाइक दैट. सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस नॉर्थ पोल और बीच में हमें ये सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल दोस्त मिल गया, तो बिकॉज ऑफ उसके अंदर के डायपोल्स भी सही नहीं थे तो उसको भी हमको सीधा करके फिर आगे जाना पड़ा, और फिर साउथ को पहुंचते पहुंचते उसका एनर्जी जो है वो क्या हो गया, कम हो गया. सो ये एग्जांपल शायद आपको समझ में आया होगा. सो इफ यू अंडरस्टूड दिस टाइप यस इन द चैट बॉक्स. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल है आपके मैग्नेटिक फील्ड का ही, इसको ही यहाँ पे क्या दिखाया है, लाइन के माध्यम से दिखाया है. सो देयर आर स्ट्रेट लाइंस एंड वी हैव दिस ब्लू कलर मटेरियल वेयर वी हैव द परमेबिलिटी ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1, सो दैट इसमें जितना भी आपका मैग्नेटिक लाइंस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फ्लो हो जाएगा. दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट this particular green material which is showing at the bottom side of the diagram, वहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो material खुद magnetic field को क्या कर सकता है, experience कर सकता है, या फिर वो उस material को उसके dipoles के साथ arrange करवा सकता है, align करवा सकता है. So जो पहले से ही flow है उसको वो क्या करेगा, उसको वो influence करेगा, right? Say for example you have
टॉप मटेरियल जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है वो एल्यूमिनियम मटेरियल है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ओके तो उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो या रेडिएशन में रखो, किधर भी रखो, उसका वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ रिलेशन नहीं है। तो वो ना मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा ना वो मैग्नेट को रिपेल करेगा, उसके अंदर जो भी डाइपोल्स है वो परफेक्टली फाइन है, वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाले हैं, बराबर। सो गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो दूसरा है दैट इज ऑफ द स्टील, वो जो ग्रीन का दिख रहा है आपको दैट इज अ स्टील। तो स्टील के लिए क्या होता है कि स्टील के लिए उसका खुद का मैग्नेटिक मटेरियल होने के बावजूद, होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल चेंज इट्स पैटर्न। नाउ यू नो कि हमारे पास कुछ फ्लो है, रास्ता है। से फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल और यू आर सिटिंग इन द व्हीकल एंड आपके व्हीकल के सामने बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इफ देयर इज अ ट्रैफिक? Obviously, you are going to find out the way at the right side or the left side, or you will wait, right? So, agar aapke paas bike hai, for example, so what a biker is generally doing, they find some way right and left and do a cut width maar ke aage chale jate. So, similarly, which type of vehicle you are having, uske according aapka behavior jo hai, wo change ho jata hai. Aapka jo pahunchne ka, ek jagah se dusre jagah pahunchne ka jo rasta hai ya uska jo pattern hai aapka, वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली इफ द मैग्नेटिक लाइंस आर फ्लोइंग थ्रू द एयर, उनका रास्ता अलग होगा, उनका जो स्ट्रेट सीधा रास्ता एयर है, मतलब क्या कुछ भी बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है, सीधा इधर से निकले उधर पहुंच गए। अभी बीच में ये आयरन कोर आ गया या कोई स्टील का मटेरियल आ गया तो क्या हो गया, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, उसको साइड से लेके जाना पड़ेगा या उसके अंदर से जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी, हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में है। ओके सो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में है, जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल के लाइंस के बीच में अगर कोई आता है तो उसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सके। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड कि जैसे आपका न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, राइट? अच्छा और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक नाउडेज दिस कोरोना टाइम इज गोइंग ऑन, तो कोरोना में हम लोग मास्क पहनते हैं, राइट? सो इफ यू आर वेयरिंग अ मास्क, जो भी आपके साथ में आने वाला वायरस है वो क्या हो जाएगा, मास्क के ऊपर रह जाएगा, वो आपके बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएगा, राइट? तो सिमिलरली उसको क्या किया हमने, उसका मास्क का जो परमेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल आपके पास पास थ्रू नहीं हो रहा है, वो उधर रुक रहा है। ओके सो कितना स्ट्रॉन्ग ये आपका ऑब्स्टेकल का कैपेसिटी है उसको रोकने के लिए या उसको पास ऑन करने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमेबिलिटी। सो अगर ये आपको समझ में आया है टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड दिस। सो मूविंग अहेड विद दिस, बी रेडी विथ योर पेपर एंड पेन, गिव अ हेडिंग परमेबिलिटी। So how we define permeability, it is again very important that we measure of magnetism. This is the measure of magnetism that this particular material is obtaining in response to an applied magnetic field. आपने magnetic field applied किया है या already magnetic field वहां पे है, तो उसके बाद आपका जो material है उसमें वो magnetic field कितना आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कितना इफेक्ट कर रहा है। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इसको हम देखने वाले हैं कि इसको यूनिट या फिर इसका सिंबल कौन सा है। सो म्यू इज द सिंबल, म्यू इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सो ये सारे पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी इज मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी। नो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेक्टिविटी? जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारा रेजिस्टेंस होता है, सो व्हाट इज द, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। सो रेजिस्टेंस का काम क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल फ्लो को थोड़ा रोकना, अपोज करना। बट सिमिलरली आपके मैग्नेटिक फील्ड में आपके मैग्नेटिक लाइंस को रोकने का काम जो करता है या जिस मटेरियल की वजह से ये होता है,
उसके प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिलेक्टिविटी। तो रिलेक्टेंस इज समथिंग वेयर द मैग्नेटिक लाइन्स आर समवॉट अपोज्ड बाय दैट मटेरियल और बाय दैट पर्टिकुलर यू कैन से सिस्टम। यू गॉट द पॉइंट? यस, ओके। नाउ इन SI यूनिट दिस परमेबिलिटी इज मेजर्ड इन द हेनरीज पर मीटर। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेनरीज? दैट वी विल आल्सो सी। देन इक्विवेलेंटली द न्यूटन्स पर एम्पियर स्क्वायर, दैट इज अनदर मेथड ऑफ इंडिकेटिंग दिस, बिकॉज वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट अलॉन्ग विद द MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। सो परमेबिलिटी कॉन्स्टेंट इज म्यू जीरो, ओके, ऑफ द फ्री स्पेस। नो वाई फ्री स्पेस इज कंसिडर्ड? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, वी नीड टू कंपेयर इट। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? वी नीड सम रेफरेंस। सो कंपेरिजन के लिए वी हैव म्यू जीरो, और अगर हमने म्यू वो जो मटेरियल का है और म्यू जीरो जो एयर का है उसके साथ अगर कंपेरिजन किया और जो वैल्यू हमें मिलेगा, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव परमेबिलिटी। सो रिलेटिव का मतलब क्या है? वी हैव समथिंग फॉर अ रेफरेंस, वी हैव द मटेरियल्स वैल्यू, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट क्लियर? आपका हाइट है समझो 5 फीट और आप जमीन पे खड़े हो जीरो लेवल पे, तो आपका हाइट हो गया 5 फीट, ओके। और वही आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो और जीरो आपका रेफरेंस है, तो आपका हाइट हो गया 15 फीट बिकॉज ऑफ द 10 फीट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। सो सिमिलरली यू गॉट द आइडिया अबाउट द रिलेटिव थिंग एंड द एब्सोल्यूट थिंग। सो एब्सोल्यूट मतलब क्या? म्यू, म्यू जीरो इज अ रेफरेंस एंड म्यू आर इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी। सो नाउ जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। When you done with your screenshot, just tell me yes. Now we have to identify this material and its relative permeability. Like you understood right now, that relative permeability that we are comparing, okay, comparing with the other material. So air के साथ अगर हम compare करेंगे, तो relative permeability क्या है? 1 है, 1:1. मतलब आपका नॉर्मल परमेबिलिटी, नॉर्मल अलाउंस उसका कि कितना मैग्नेटिक फील्ड को पास करने के लिए कैपेबल है, तो वो आपका एयर का क्या है? 1 है। सेम कंपैरिजन में आयन का मैक्सिमम है 2 लैक्स। नो व्हाट डू यू मीन बाय 2 लैक्स? सो 2 लैक्स टाइम्स इट इज मोर इजियर टू पास एन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द आयन। ये समझ में आया आपको? So just take this screenshot also and write it down in your notebook once we're done with the presentation. Okay. So type done in the chat box if you are taken the screenshot. Yes, perfect. Moving ahead with this. Now we have to solve a numerical, and for that we need some formulas. So relative permeability is like a ratio of the flux density which is produced in the material to the flux density which is produced in the vacuum of the same magnetic field strength. So vacuum mein banaya gaya jo value hai magnetic field strength ka, aur we can say that flux density ka, uske sath kya kar rahe hain hum log? Compare kar rahe hain, and we are getting the value mu r is equal to mu zero, mu upon mu zero. Okay, so mu is equal to what? Mu r into mu zero. ये mu zero जो denominator में था उसको numerator में लिया multiplication में, and then we get the formula is B upon H. Now what do you mean by B upon H? B is your magnetic flux density, and H is your magnetic field strength. ये हमने last time देखा था, और इसका इस्तेमाल करके B इज इक्वल टू म्यू, अच्छा ये क्या है आपके डिवीजन में है, तो H यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो B इज इक्वल टू म्यू आर म्यू जीरो H। तो ये आपको नोटबुक में अभी ये तीनों फॉर्मूले अर्जेंटली लिखना है, और लिख के मुझे बताओ। यस, ओके। सो नाउ
You done with this formula, now we are going to use it. Okay, so what exactly these notations we are going to use? That is, first is H stands for magnetic field strength, P for magnetic flux density, I is our intensity of magnetization, is like we have M also used in the textbooks. So I is for current, mu zero is permeability of the free space or a vacuum, you can say. Then mu is the permeability of the medium, जैसे कि आयन हो सकता है आपका या सिलिकॉन स्टील हो सकता है. ओके, म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी, जो हमें देखना है, कैलकुलेट करना है, यूज करना है. दिस ऑल वैल्यूज विल बी गिवन टू यू, वी हैव टू जस्ट यूज द फॉर्मूला, इट्स वेरी सिंपल. एंड देन एक्स इज व्हाट वी कॉल इट अ ससेप्टेबिलिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ससेप्टेबिलिटी? सो बेसिकली इफ वी से दैट आवर मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्टॉप or opposed by the reluctance value, but the susceptibility will tell you whether your magnetic field is allowing that magnetic field to flow easily from the particular how that material, that magnetic field is susceptible to the changes. And then Na is the Avogadro number, which we again use for the calculation in the next slide. Let's see. So we have one example. Take a screenshot here, everyone. You have to write it down in your notebook right now. Also make sure you take a screenshot. Now first is that we have a coil, electromagnet hai, 0.25 meter long and having a 400 turns. Okay, carries a current of 15 ampere. So now we have turns, we have 15 ampere. Along with that, we have the length of the wire also. So agar hamare paas length hai, so we can find out the diameter of that particular agar hamare paas ye, I'll just show you. ये जो turns है, ये जो यहाँ पे जो इसका जो diameter है, वो हम लोग identify कर सकते हैं अगर हमारे पास इसका लेंथ उन्होंने दिया है. इसका टोटल लेंथ हमारे पास है अभी, उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी है. तो इसका ये जो मैग्नेटिक कोर है, उसका डायमीटर क्या हो सकता है, वो हम क्या कर सकते हैं, इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो एच इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल, where n is the number of turns, we have that value. I is the current passing, we have that value. And L is the length of the coil, we also have that value. So just calculate it, everyone. H is equal to Ni upon L. So N 400, I 15 and 0.25. So make sure you use the proper units. So yahan pe to meter mein diya hai, it's okay. Otherwise, if it is not in meter, we first have to calculate in the meter. Now then, we have to calculate the value of flux density in the vacuum. So vacuum hai, matlab kya, mu zero chahiye hame. So we are going to use this as a mu zero and 4 pi 10 to the power minus 7. Ye hame yaad rakhna hai, mu zero hai vacuum ka. And then we are going to use it with the help of this formula. So write it down in your notebook and let me know in the chat box. Okay, done everyone? Perfect. So I hope you understood the topic and the formula which we are going to use. See, it is very simple. If you are having a formula which is giving you the values related with this magnetic field, we are going to identify what exactly the data needed, and using it with the formula, this value is related with the magnetic field strength which we identify for that particular set of electromagnets. Say for example, we have the set in which only 0.25 meter long wire is being used with the 400 turns. Okay, now if we change the value of current, what is the change in the value of magnetic field? Acha, abhi magnetic field hame jyada chahiye, to current kitna jyada lagega hame?
तो ये सारे कैलकुलेशंस जो है ये इस फॉर्मूलास की वजह से क्या हो जाते हैं, हमारे आसान हो जाते हैं। सो विदाउट हैविंग द वैल्यू ऑफ एच वी आर नॉट गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ बी जीरो एंड दैट इज वॉट इज आस्क इन दिस न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। सो ऑल्सो टेक अ स्क्रीन शॉट एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो विल डिस्कस इट। वंस यू डन जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स। सो फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है? तो फ्लक्स डेंसिटी हमें कॉम्प्यूट करने के लिए बताया है। सो वी हैव टू अल्टीमेटली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये हमारा टास्क है। तो बी फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? म्यू के वैल्यू चाहिए और एच का वैल्यू चाहिए। ओके, एज पर द फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू एच एंड म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू जीरो। ओके, सो उसके बाद क्या बताया? इनसाइड द बार ऑफ क्रोमियम दैट इज पोजिशन विद इन द कॉइल। तो मतलब कॉइल है जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है और उसके बीच में क्रोमियम का एक बार जो है वो वहां पे रखा है। अभी उसके बाद क्या बोलते हैं? वायर का लेंथ कितना है? 0.25 मीटर लॉन्ग और 400 टर्न्स है और कैरिंग द 15 एम्पियर करंट है। तो बाकी का डिटेल्स जो है वो लगभग वो कॉइल का सेम है। ओनली थिंग इज दैट द क्रोमियम बार इज बीइंग प्लेस्ड इन बिटवीन। आफ्टर दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ क्रोमियम इज 3.13 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4। अभी ये बताया है ससेप्टिबिलिटी, तो उसका जो व्हाट यू कैन से परमेबिलिटी मिलेगा दैट इज अ 1 बाय। ओके, 1 बाय मतलब उसका इनवर्स लेना पड़ेगा। सो लेट्स सी, वी हैव फर्स्ट H इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल। ये हमने कैलकुलेट किया जो पहले वाले न्यूमेरिकल में था वैसा ही है। म्यू आर का फॉर्मूला रिलेटिव परमेबिलिटी का, वी हैव 1 प्लस यूर ससेप्टेबिलिटी जो हमने पहले देखा था, पहले हमारे इसमें यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी। ओके, देन वी हैव परमेबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर डॉट म्यू जीरो। सो म्यू आर यहाँ पे हमने निकाला म्यू आर एंड नाउ वी आर हैव द म्यू जीरो 4π 10⁻⁷। ये ध्यान में रखना है म्यू जीरो की वैल्यू एंड टोटल मिला के हमें ये वैल्यू मिला हेनरी पर मीटर। दिस इज वॉट वी गेट फॉर द म्यू। नाउ यू नो दैट बी इज इक्वल टू म्यू एच। सो म्यू एच के लिए हमें क्या निकालना है? दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द क्रोमियम क्यूब। क्रोमियम क्यूब क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है। रिलेटिव परमेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर नाउ कंपेयरिंग इट विद द क्रोमियम एंड द एयर विच वॉज ऑलरेडी देयर एज अ रेफरेंस। तो ये कैलकुलेशन के बाद वी गॉट दिस टेस्ला एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिज्म कितना प्रोड्यूस हुआ ये फाइंड करने के लिए ससेप्टेबिलिटी उसके अंदर कितना था और कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ था ये फाइंड करने के बाद वी गॉट दिस वैल्यू ऑफ आई और एम। ओके, आई इज ऑल्सो देयर विच इज रिटन हियर, आपने भी ये लिखा होगा। उधर ही स्लैश करके एम भी लिखो, कैपिटल में एम भी लिखो आप, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिज्म। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ गोइंग टू द थर्ड न्यूमेरिकल। नाउ देयर आर सम नेक्स्ट लेवल ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर। So magnetic flux density within the bar of some material. Now why some material is being placed? Because we are now getting the value which is of the unknown material. Okay, so we are not knowing that material which is placed in between and having the flux density of 0.63 tesla. So B jo hai wo hamare paas available hai. Also we have H with 5 multiplied by 10 to the power 5. Ye value ka H bhi available hai. To ye dono ko use karke hame mu mil sakta hai. ओके, आफ्टर दैट कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर दिस मटेरियल लाइक मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यस, इट इज वेरी सिंपल, इसका दोनों का रेशियो ले लो, हमें म्यू मिल जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड देन वी हैव टू डू विद द कैलकुलेशन ऑफ 1 प्लस और 1 माइनस एंड देन वी हैव टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म दैट यू सजेस्ट बीइंग डिस्प्लेड बाय द मटेरियल विद द रीजन। लेट्स सी, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जैसे मैंने बोला आपको म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, सिंपल रेशियो लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.63।
यहाँ पे है टेस्ला में है, और यहाँ पे आपका एच जो है दैट इज 5 × 10⁵ और उसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर। तो एम्पियर पर मीटर और आपका ऊपर टेस्ला दोनों मिलके हेनरी पर मीटर आपका ये वैल्यू यहाँ पे म्यू का मिल गया। अभी म्यू का वैल्यू मिला है, म्यू जीरो का वैल्यू निकालना पड़ेगा, म्यू आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। म्यू जीरो का वैल्यू हमारे पास है तो ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस वन। ये कौन से फॉर्मूला से यूज किया, पहले वाले, मतलब म्यू आर इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी प्लस ऑफ द ससेप्टेबिलिटी ऑफ व्हाट दैट मटेरियल। ओके, जो मटेरियल को हम फाइंड आउट करने वाले हैं तो प्लस वन करना है, तो यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी फाइंड करना है और म्यू आर हमारे पास चाहिए तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो म्यू अपॉन म्यू जीरो इज योर म्यू आर, तो म्यू की वैल्यू पता है, यहाँ पे हमने निकाली म्यू जीरो की वैल्यू इट्स कॉमन 4π × 10⁻¹। और दोनों को कैलकुलेशन किया, माइनस वन किया, सो वी गॉट दिस वैल्यू माइनस वन। सो ये जो वैल्यू मिली हमें दिस इज लाइक 3.158 × 10⁻³। तो ये आपका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हो गया वो मटेरियल का। अभी टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म ये वैल्यू से कैसे पता करेंगे कि ये जो वैल्यू हमें मिला है यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है। पैरामैग्नेटिज्म इज देयर बिकॉज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव, तो इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट होने के चांसेस जो है वो अवेलेबल है। एंड इट्स हैविंग द लो, बिकॉज ये वन नहीं है, वन से काफी कम है इसके लिए। सो दिस इज वॉट वी कैन डू विद दिस न्यूमेरिकल। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू ऑलरेडी राइट इट डाउन, सो दिस इज नाउ वॉट वी हैव अंडरस्टूड। ये लिख के हो गया क्या आपका, मेरे ख्याल से नहीं। हेलो, नो, ओके। सो यू टेक अ स्क्रीनशॉट, डू इट एज अ होमवर्क। ओके, सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू एंड अवर क्लास टूडे विद द 2.2 पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलॉन्ग विद द स्ट्रेट कंडक्टर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। और अगर आपके पास दो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स है तो उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो लेके रख दीजिए, और प्रीवियस न्यूमेरिकल का एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, सो दैट यू कैन राइट इट डाउन इन द योर फ्री टाइम। अभी लेक्चर के बाद आप उसको